नमस्कार, मैं पूजा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साची बात में। तो आज हम चर्चा करेंगे राजधानी में लगातार हो रही बारिश से वहाँ के लोग किन किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पानी का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते गुरुवार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपडेट दिया था कि दिल्ली पर बाढ़ का खतरा अभी भी टला नहीं है। और फिलहाल हमारे पास आपके लिए अपडेट्स हैं कि दिल्ली में कहाँ कितना पानी है, कहाँ कहाँ के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कुछ सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रविवार तक दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। दिल्ली के राजनिवास ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने फ्रांस से फोन कर दिल्ली में जल भराव व बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत जानकारी ली। साथ ही केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता लेकर दिल्ली के हित में समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। दिल्ली में लगातार भारी बारिश का रेल यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं कई रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें आंशिक रद्द की गई। यमुना ब्रिज पर जल भराव से रेल यातायात प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में लगातार भारी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। यमुना नदी का जल स्तर पहले ही खतरे की निशानी से ऊपर है। यमुना के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण नदी किनारे स्थित कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का ये असर है कि बैराज पर ज्यादा पानी को रोका नहीं जा रहा है, जिसके चलते यमुना के बाढ़ क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। अगर आगे भी ऐसे ही पानी छोड़ा जाता रहा तो दिल्ली वालों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यमुना में जल स्तर बढ़ने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। अब तक करीब 1,257 लोगों और 438 पशुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। दिल्ली में निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसको देखते हुए नोएडा में भी बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यूपी के कई इलाके प्रभावित हैं। नोएडा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। प्रभावित होने वाले जिलों में शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और इटावा के स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर स्थिति के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। शामली जिले में 5 गांव में जलभराव की स्थिति है, मगर इससे किसी प्रकार की आबादी प्रभावित नहीं है। गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और इटावा में बाढ़ की स्थिति फिलहाल नहीं है। बाढ़ की चेतावनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की चिंताएं भी बढ़ा दी है। केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर ये मांग की है कि हथनीकुंड बैराज से धीरे धीरे पानी छोड़ा जाए। बारिश को देखते हुए एएसआई ने लाल किला पर पर्यटकों की आवाजाही को शुक्रवार तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। प्रगति मैदान टनल खुलने के बाद लोगों को मिली राहत। निगम बोध घाट में भी पानी भर गया है। एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली के मेटफाक रोड स्थित शुश्रुत ट्रामा सेंटर में बाढ़, यहां भर्ती 40 मरीजों को भी दूसरी जगह पर भेजना पड़ा। दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में बीते एक घंटे से कोई कमी नहीं आई है। दोपहर 1 बजे पानी का स्तर 208.62 मीटर था, जो दोपहर 2 बजे तक यही पाया गया। एडिशनल डीसीपी अजित गर्ग ने बाढ़ प्रभावित यमुना बैंक इलाके का दौरा किया और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। यमुना बाजार स्थित दंडी आश्रम में रुके हरिद्वार के एक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी वार्ड में फंसे दिल्ली पुलिस ने इन विद्यार्थियों को भी बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ गढ़ी मांडू इलाका भी पानी में डूब गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल साची बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।